आज दिखाऊंगा मैं आपको अपनी ओडी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग है कि मैं जा रहा हूँ शोरूम पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम घर वापस आने के बाद मैं जा रहा हूँ शोरूम। आज हम करेंगे जी 200 रुपए की सेविंग। सेविंग कैसे करेंगे? ये है जी मेरा बाइक, बहुत गंदा हुआ है, इसको हम जाके वॉश करेंगे। 500 रुपए का पेट्रोल साड़ के 200 रुपए की सेविंग करेंगे। शोरूम पे जो ना पानी जो ना खुला आता है प्रेशर के साथ, तो वहाँ जाके इसको वॉश करते हैं। कैब प्यारी लग रही है नहीं या कैब के बगैर गंजा। शोरूम पे पहुँच चुका हूँ, अभी जा रहे हैं हम अपनी ओडी को वॉश करने। मेरे लिए यही ओडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो चीज़ तुम्हारे पास है उसी का शुक्र अदा करो। फरमाते हैं मेरी नियमतों का शुक्र अदा करो कि मैं तुम्हें और दूंगा। कल बड़ी गाड़ी पे था, छोटी गाड़ी पे हैं, इंशाल्लाह बड़ी गाड़ी पे भी जाएंगे। ये है जी हमारा शोरूम, हमारे पास खड़ी हैं बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ। अभी हम पहले इसको वॉश करेंगे। आज दिखाऊंगा मैं आपको अपनी ओडी। जो मेरे पास पहले गाड़ी थी वो ये वाली गाड़ी थी ओडी, भी अल्लाह पाक ने मुझे ये दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये ओडी थी जो मैंने सेल आउट करके उसको कैश दी थी, और ये भी आपको दिखाते हैं अपनी ओडी। अभी इसका मैं डोर खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय। ये मेरी गाड़ी थी, ये थी मेरी ओडी। अभी इसका जो अंदर से ना इतना प्यारा उसको क्लीन किया गया, और इसका छत भी बहुत प्यारा हो गया। जिंदगी रही तो दोबारा ओडी लूंगा। अभी जो 70 है ना उसको वॉश करना पड़ेगी, बाहर निकलो और वॉश करो, मैं अपने आप से कह रहा हूँ भाई। अभी हम वापिस आएंगे अपने 125 पे, अपना लंडा लुंडा का माल उतार के हमने ओडी में रखना है, फिर जाके उसको वॉश करते हैं। बहुत प्यारी गाड़ी ओडी जो ना, बहुत मजे की गाड़ी है। इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा 45 लाख रुपीज़। बहुत ही प्यारी है, A4 गाड़ी है, बहुत मज़े की गाड़ी है। वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको ओडी की छत पे मैं कैसे खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अभी हम इसको वॉश करेंगे हमारा 125। अगर आप लोग भी अपना बाइक वॉश करवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे पास लें, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉश करके दूंगा। ये मोटर लगेगी, अभी हमने इसको डाल दिया टंकी में, और टंकी का नहीं मोबाइल गिर जाएगा यार। पानी का प्रेशर खुला है अभी आशीर भाई मारने लगे हैं इस पे शैम्पू। शैम्पू ये कौन सा है आशीर भाई? ये हमारा अपने वापसी प्रोजेक्ट। हाय 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 हाय, इतना तो कभी मेरे मुंह पे झाग नहीं है शैम्पू लगाने से यार। देख सकते हैं कितना प्यारा मेरा बाइक वॉश हो रहा है। अल्लाह पाक मेरे बाइक को नजर से बचाए, माशाल्लाह बोल रहे हैं आप लोगों ने। आशीर भाई ये तो बड़ा प्यारा हो गया है। ये जी आशीर भाई का एरिया है। अगर आपको ऑयल चेंज करवाना है, मैकेनिक वर्क कुछ भी करवाना है, तो आप लोग आशीर भाई के पास आ सकते हैं। 12 आवर सर्विस है। आशीर भाई कौन कौन सी गाड़ी का काम कर सकते हैं आप? सब कहीं करते हैं। ये रैप्टर खड़ा हुआ है, साथ ओडी खड़ी हुई है, सब गाड़ियों का काम करते हैं। अगर आपने गाड़ी का काम करवाना है, गाड़ियों के ऑयल पड़े हुए हैं, फिल्टर हर चीज़ पड़ी हुई है, रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, गाड़ी सेल भी करते हैं, करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो अभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे जो है ना बाइक जो वॉश करते हैं वो ऐसे वॉश नहीं करते जैसे इंसान खुद वॉश करता है, उन्हें बस ठरकाना होता है, उन्होंने पैसे लेने होते हैं, बट टोटल पूरा करना है, खड़ा खड़ा कपड़ा ऊपर ऊपर मारा और सका खुद। जब इंसान मारता है ना कपड़ा या खुद साफ करते हैं ना ऑफिस में, और खुद काम करने में मेहनत में ना शर्म नहीं आनी चाहिए। बारिश हो रही है सावाल अलहमदिल्ला, बाइक वॉश कर लिया, इसको सूखा कपड़ा मारेंगे, फिर इसको रखेंगे तो धूप में, फिर थोड़ा सा ब्लॉग्स लोग लाएंगे यूट्यूब से भी गुड्डे आ रहे हैं बाबा जी। अभी क्लाइंट आए, उनको मैं गाड़ी चेक करवा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ने, असर का टाइम हो गया, 4 हो गए। आज मैंने बिल्ली देखी बगैर पूछे थे, जिस शख्स ने असर की नमाज पोत कर दी, पोत करने से मुराद नहीं पड़ी लेट हो गई, उस शख्स को इतना अफसोस होना चाहिए कि उसके माँ बाप बहन भाई कारोबार बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया, इतना अफसोस उसको होना चाहिए जिस शख्स से असर की नमाज रह गई और हम लोग गाफिल हैं, नमाज नहीं पढ़ते यार। दिन में ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ जाए, फर्ज नमाज का जो टाइम है ना मुकर्रर वक्त पर अदा करनी चाहिए। ये मस्जिद है और अल्लाह मुफ्ताह लिल बाब रहमतिक, अल्लाह मेरे रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन। वॉश हो गया और अभी इस पे पॉलिश का काम जारी है। माशाल्लाह मेरा बाइक चमक गया, फाइनली ये बाइक मेरा रेडी हो चुका है,
अब मैं जानवर में आया हूँ फिश खाने के लिए। मशका भैया 1800 किलो है। किलो में 5 किलो आएगा? किलो यार इतना महंगा खान है। खान लगता है पीछे घर में बिल्डिंग बना रहे ना। हाँ जी खान इतना महंगा है। 1200 किलो है। फिंगर आप तो लो। फिंगर फिश ट्राई करते हैं आज। अभी लगाऊंगा बाइक को मैं ताला, क्योंकि बाइक जो है ना पाकिस्तान में ऐसे गायब होता है। जैसे ये आ गई हमारी छोटी सी फिंगर फिश। साथ आ गया गरम गरम नान। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने हमें प्लेट खत्म कर दी। मुझे भी लागे मेरा वैसे टेस्ट में थोड़ा नमक टेस्ट था ठीक अपना। टेक केयर अल्लाह।